बट यहाँ से जीबी तक का रास्ता कैसा है वो किसी को नहीं पता, तो वो आज हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं आपको। ये ले 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 बच्ची आ गई, बहुत खुश हो गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। जैसे आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं जीबी, और पीहू टिक नहीं सकती एक जगह, ये इधर उधर हिल रही है, उधर ब्रेकिंग, फिर उधर से इधर आई, फिर मैं गई, फिर वापस आ गई। तो आज की शुरुआत हमने करी है ऑलमोस्ट पहाड़ स्टार्ट होने के बाद, लाइक हम ऑलमोस्ट अभी चंडीगढ़ क्रॉस कर मनाली हाईवे पे पहाड़ों की शुरुआत के बाद, क्योंकि दिल्ली से अगर इधर आते हैं तो सबको पता ही है रास्ते कैसे हैं, बट यहाँ से जीबी तक का रास्ता कैसा है वो किसी को नहीं पता, तो वो आज हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं आपको। अभी हम लोग आज इस पर अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं निखिल भी और हमारे फ्रेंड। हाँ, कैसे आप सभी लोग? तो ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए हम आगे के सफर में बढ़ चले, और बहुत ही मजा आ रहा था, हमने बहुत एंजॉय किया जर्नी को। तो गाइस, इधर का रास्ता कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं गांव की तरह लग रहा है। जितना हम ऊपर गए थे उतने ही फिर हम दोबारा नीचे आ गए हैं, अब पता नहीं नीचे कहाँ ही जा रहे हैं हम। रास्ते की हालत तो बहुत खराब है, रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कच्चा रास्ता है इधर, रोड सड़क टूटी हुई है, मिट्टी है, रोड है ही नहीं मतलब कहो तो। मनाली की तरफ की पहली टनल जो कीरतपुर की तरफ से कैंची मोड़ पर पड़ती है, बंद होने के कारण हमें थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ा था, और ये जो रास्ता आप अभी देख रहे हो ये उसी डिटूर का हिस्सा है। और यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने हमें रास्ता दिखाया राइट की तरफ, जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे का अंडर कंस्ट्रक्शन सर्विस लेन है, इसी पर थोड़ा आगे चल के हम हाईवे पर मर्ज हो जाएंगे। मतलब घर से क्या सोच के निकले हो, वहाँ पे जाएंगे खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे और ये खेलेंगे? अरे तो मौज करने आ रहे हो यार, क्या करने हो गए? और साथ में स्पीकर भी लेकर आए हैं, वहाँ पे गजरा बांध के चमेली के फूल जैस्मिन वाला और गुजरा करेंगे। तो मैं अभी भी हिल रहा हूँ, रात से ड्राइव कर रहा हूँ, और निखिल के बारे में बोलता था आपसे पिछले काफी ब्लॉग्स में बोला है, निखिल से मिलवाता हूँ, ये है निखिल। तो हमने स्टार्ट किया था व्लॉग ये चैनल निखिल के साथ मिलके, बट अनफॉर्चुनेटली निखिल आ नहीं पाया, फिर हमने और योगी ने चलाया कुछ व्लॉग्स, और फिर उसके बाद अब मैं और व्यू चला रहे हैं। और अभी हम जहाँ रुके हैं वहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, बादल दिख रहे हैं मुझे तो नीचे, आप भी देखो। अच्छा, ये सतलुज रिवर है और उसके ऊपर ओस की परत है जो मुझे बादल लग रही थी, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं आया अभी हम। क्या वो ये सारा पानी है या बादल है? ले 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 बादल, नदी है ये, ले 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 बच्ची आ गई, बहुत खुश हो गई। यस, ऐसी है ना सेम डिट्टू। ऐसे नहीं करा मैंने, मुझे खुशी हुई, अच्छा लग रहा है। ज्यादा आगे मत जाओ, मिट्टी कच्ची है, खिसक जाएगी।
आपको अपने चैनल का लिंक भी देगा। और ये मेरी पीहू। ये ट्रेल करते हुए जा रहे हैं हम धीरे 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 धीरे। शांति बहुत है यहाँ, पर एक बात बोलूँगा कि यहाँ तक गाड़ी लाने में हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। अच्छे खासे ट्रेन लोग गाड़ी चला के यहाँ पे थक गए हैं। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आप प्लेन्स पे गाड़ी चलाते हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो अवॉइड करना खुद से आना। बेटर ये रहेगा कि आप मंडी तक अपनी गाड़ी से आ जाओ, वहाँ पे पार्किंग लगा दो और उसके बाद वहाँ से कोई टैक्सी कर लो। तो जहाँ हमारा आज स्टे है उस जगह का नाम है लॉस्ट इन एस्केप। देखते हैं यहाँ तक आने की जो जद्दोजहद रही हमारी उसका फल कैसा होगा। चलो, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। मजा आ रहा है। और इधर मैं हूँ। और यहाँ नीचे नदी है, जस्ट नदी के साथ में ही है हमारा स्टे। कैंपिंग करेंगे क्या? नहीं नहीं, स्टे है। कैंपिंग वाली फीलिंग आ रही है, काइंड ऑफ ऐसी है। क्या तुम्हें ये रास्ता पता था ऐसा? हाँ, ये पता था कि 800-700 मीटर नीचे ट्रेल करके आना पड़ेगा। हाँ पता था ऐसा है, वरना बंदा बुलाता मैं बैग। गाइस फाइनली इस ट्रेल को पूरा करके, जो कि 700 या 800 मीटर लगभग है, हम इस वैली की तलहटी में आ गए हैं। वैली बहुत खूबसूरत है और मेरे पीछे जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है कुशभद्रा नदी के बहने की। कुशभद्रा नदी यहाँ पे जीडी बंजर से स्टार्ट होती है और आगे तीर्थन नदी में मिलती है। नदी भी दिखाएंगे आपको क्योंकि हमारे कॉटेज से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अभी फ़िलहाल चलते हैं और अपना कॉटेज दिखाते हैं आपको। कॉटेज का नाम मैंने ऐसे पहले बताया था, लॉस्ट एस्केप। जीपी में है, बंजर एरिया के अंदर आता है जीपी। यहाँ पे देखोगे आप, इधर इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ ताकि जंगली जानवर वगैरह अंदर ना आ पाए। और ये एंट्रेंस के लिए हम बढ़ रहे हैं अभी, और बिल्कुल लेफ्ट में ये नदी है। आप इसमें आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, आराम कर सकते हो, वॉट एवर जो भी करना है आपको कर सकते हैं। तो ये एंट्रेंस, इस प्रॉपर्टी में चारों तरफ जो है ना सेब के पेड़ लगे हुए हैं। अभी इनमें छोटे छोटे सेब हैं, देख पा रहे हो आप। और ये नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट एरिया है, सिटिंग एरिया, और ऊपर है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री में वैसे तो 8 लोग रह सकते हैं डॉर्मेट्री में, बट हमने क्योंकि वॉशरूम एक ही था तो 4 लोग डॉर्मेट्री में एडजस्ट किया और 4 लोगों के लिए एक ये बेडरूम लिया। तो ये है डॉर्मेट्री का रास्ता। लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है चढ़ने में, तो उतनी भी नहीं। कोई है अंदर? ये डॉर्मेट्री, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ आपको। इधर बेड्स लगे हैं, हमने पूरा गम मचा रखा है, मतलब कुछ भी। चलो बेडरूम दिखाता हूँ, जो कि ड्यूप्लेक्स बेडरूम है। आपको दिखाता हूँ मैं एक बार दोनों जगह कि कहाँ पे क्या है। ये बेडरूम का एंट्रेंस। कोई है अंदर? खोलो भाई, खोलो। अपना ड्यूप्लेक्स बेडरूम टाइप, ऊपर भी 2-3 लोग सो सकते हैं, नीचे भी 2-3 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। इधर वॉशरूम है बहुत बढ़िया क्लीन, और इधर थोड़ा पेंट्री टाइप बना रखा है। तो ये था अपना टूर प्रॉपर्टी का जहाँ हम रुके हुए हैं।